मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यमुनानगर के जगाधरी पहुंचे। यहां सीएम ने सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, एक समय में जो शिक्षा मिलती है उसके बदले शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देता था, जिससे गुरुकुल का पूरे साल का खर्च चलता था, लेकिन आज शिक्षा में मोल भाव होने लगे हैं। ये संदेश जाता है कि मैंने पैसे देकर शिक्षा खरीदी है। उन्होंने कहा कि हम तो सरकारी खजाने का गंडक हैं। जो सरकारी खजाना है उसके क्या गणक है, गिनती करने वाले जैसे मुनि होते हैं, इधर से आता है उधर चला जाता, इधर से आता उधर चला जाता, देना कहां है जाना कहां है, निर्णय करने का अधिकार हमें जरूर दिया गया है। उसमें से जहां अति आवश्यक चीजें होती हैं उसमें ज्यादा देना, कम आवश्यक है कम देना, या जहां की पूर्ति समाज कर दे तो समाज को आह्वान करना कि आप भी करो। मैं बहुत सी संस्थाओं में आजकल जा रहा हूं तो संस्थाओं के लोग इच्छा करते हैं कि हमको योगदान करके जाए, तो योगदान करने के लिए मैं सबसे पहले समाज के लोगों को कहता हूं कि देखिए काम करना है, ये जो काम तय है ये शुरू करना ही, जितना ज्यादा ज्यादा योगदान समाज करेगा वो समाज के द्वारा हो, वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जो चिंता का विषय है, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी इस विषय में मुख्यमंत्रियों की बातचीत हुई। सीएम खट्टर ने कहा कि बाकी राज्यों की तुलना में हरियाणा की स्थिति काफी बेहतर है। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं और सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, उसमें विशेष तौर पर जिन प्रदेशों में संख्या बहुत अधिक है उनसे उन्होंने बातचीत की थी और वहाँ की जो तैयारियां हैं वो पूछी थी। संयोग से हमारे यहाँ उतना ज़्यादा फैलाव नहीं है जितना बहुत से और प्रांतों में फैलाव है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, या मणिपुर में है, महाराष्ट्र में है, ऐसे बहुत से प्रांतों के अंदर ये दिल्ली में है, बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। तो वहीं हरियाणा में बर्खास्त पीटीआई टीचरों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हटाए हैं, उन्हें दोबारा रखना सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत पोर्टल बनाया गया है, उसमें अपलोड करेंगे उन्हें उनकी व्यवस्था की जाएगी। बाहर किया है और उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। नई व्यवस्था में अगर किसी और नए काम के हिसाब से उसको लिया जा सकता होगा, तो हमने एक पोर्टल बनाया, उनको कहा कि उसके अंदर अपलोड करें और निश्चित रूप से उनको हम उनका कोई ना कोई रोजगार। बता दें कि काफी लंबे वक्त से राज्य सरकार को गेस्ट टीचरों और बर्खास्त पीटीआई टीचरों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बुधवार को हुए सीएम के साथ बैठक में गेस्ट टीचरों ने तो अपने धरने को स्थगित कर दिया, लेकिन बर्खास्त पीटीआई टीचर अभी भी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।